कच्चे में पुलिस का एक बार फिर से ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। ऑपरेशन की निगरानी एसएसपी कश्मोर अमजद शेख कर रहे हैं। कच्चे के दाखिल खारजी रास्ते सील करके सख्त चेकिंग की जा रही है। ऑपरेशन में जिला भर के 300 से ज्यादा पुलिस एहलकार, बख्तरबंद गाड़ियां और एपीसी चैन जदीद मशीनरी हिस्सा ले रही हैं। ऑपरेशन में डाकुओं के ठिकानों की निशानदेही भी ड्रोन कैमरों के जरिए की जा रही है। मुख्तलिफ मुकाम पर डाकुओं और पुलिस के माबेन जदीद हथियारों से फायरिंग का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। डाकुओं की पुलिस पर रॉकेट लॉन्चर, गोले और हैंडीक्राफ्ट गन से फायरिंग। पुलिस ने डाकुओं के मुतद्दद ठिकानों को मसमार करके आग लगा दी। पुलिस और डाकुओं की फायरिंग से इलाके में सख्त खौफ व हरास। इस मौका पर एसएसपी अमजद अहमद शेख ने बताया कि ऑपरेशन कुछ रोज़ कबल डाकुओं के हमले में शहीद होने वाले पुलिस एहलकार सजाद अली खसखेली और 3 पुलिस एहलकार जख्मियों के मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए शुरू किया गया है। जब तक मुलजमान को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। अपडेट कर रहे हैं आपको कंधकोट से। ठक्कर, सबजोई, जैन, जागरानी, कच्चे में पुलिस का एक बार फिर से ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। ऑपरेशन की निगरानी एसएसपी कश्मोर अमजद शेख कर रहे हैं। कच्चे के दाखिली खारजी रास्ते सील करके सख्त चेकिंग की जा रही है। ऑपरेशन में जिला भर के 300 से ज्यादा पुलिस एहलकार, बख्तरबंद गाड़ियाँ और एपीसी चैन जदीद मशीनरी हिस्सा ले रही है।